छत्तीसगढ़ में अंडे पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार कुपोषित बच्चों को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए मिड डे मील के मेन्यू में अंडे को शामिल करना चाहती है, लेकिन प्रदेश के कबीरपंथी समाज ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस फैसले के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। अंडा तो सर्वथा बंद ही होना चाहिए, तो इसका समर्थन कबीरपंथ समाज और भी जितने भी अहिंसा धर्म मानने वाले जितने भी धार्मिक धर्मावलंबी दल हैं, संगठन हैं, इस सभी लोग इसका खोलकर विरोध करेंगे और आंदोलन बृहत रूप में होगा। यदि सरकार बंधन नहीं करती है तो सभी लोग इसका बृहत रूप में आंदोलन करेंगे। कबीरपंथी समाज ने आंदोलन की चेतावनी देने के साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर अंडे को मिड डे मील की लिस्ट से तुरंत बाहर करने की मांग रखी है। अपने उन्होंने बात ये रखा कि जो जो, जो उसमें अंडा को नहीं उसमें रखना है, जो ऑप्शन हमने उसमें दिया है मेन्यू से हटाने के लिए क्या कहा है, तो ये उनकी बात को हमने सुना है। हम लोग सीएम से बात करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। दरअसल विवाद इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 मंत्रियों की एक समिति बना दी। मंत्रियों ने कई घंटे तक कबीरपंथी समाज के लोगों से बात की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। इस बीच बीजेपी भी इस विवाद में कूद पड़ी है। लोगों की भावना है और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में बड़ा समाज है, जो खास तौर से ऐसे लोग हैं जो कबीरपंथ को मानने वाले हैं। बहुत सारे बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भावनाओं को आहत होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 46% बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। कुछ लोग सरकार की ओर से अंडे को शामिल किए जाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक खास वर्ग के विरोध ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है।